इसके साथ ना आपने इस शर्ट के साथ ये ट्राउजर जरूर इस तरह का स्टिच करना है। वैसे पहले ना मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना आपने इस तरह कमीजें बहुत फटती हैं ख्वातीन की, मेरी खुद फटे। आप लोगों ने हमेशा इसी तरह ही स्टिच करना है ये डिजाइन। इसकी बैक साइड आप देखें अंदर से, ये आसीनों का डिजाइन चेक करें, ये ऑर्गेन्जा लगी हुई है जो कि इस तरह मैंने लगाई है इसको। क्या हाल है आप लोगों का। और आज जो मेरे पास एक ड्रेस है वो मैं आपको बताना चाह रही थी। लॉन्ग शर्ट है, सफ़ायर से मैंने वो परचेज़ किया है और आप लोग उसकी डिज़ाइनिंग देखिएगा। और जो मैं आप लोगों से सबसे माजरत करती हूँ, जो 3 मीटर में सिलने वाली जो फ्रॉक है ना, वो मुझे कपड़ा लेकर आना है। अच्छा, जो मैं अभी आपको दिखूँ, मैं अभी स्टिच करने लगी हूँ, ठीक है। ये इसका भी मैं सी सकती हूँ फ्रॉक, लेकिन ये थोड़ा सा प्रिंटेड है, थोड़ा सा मुझे फॉर्मल में लेके जाना है ताकि मैं वो इवेंट्स में पहन सकूं। मैं लेकर आऊँगी, मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी, मेरी बस नज़रों में वही है। जल्द मुझे वो सी के दिखाना है, ईद फिर आ जाती है, सर पे पता ही नहीं लगता। तो चलें अभी हम तो ये स्टार्ट करते हैं ना। ये वाला जो ड्रेस है ये भी बड़ा आउट क्लास है। इसका स्लीव्स का डिज़ाइन देख, स्लीव्स तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन ये है कि कपड़ा रखा हुआ है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी, तो वो मैं ना अभी लगा लूँगी। मतलब अब तो सिल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। और चले अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कि मैंने ये सेल से नहीं लिया, ये मैंने फुल पेमेंट पे लिया था। ये है इसका बिल, 5,990 का ये सूट है। ये इसकी कैटलॉग है, ये देखिए इस तरह से स्टिच हुआ है, बहुत प्यारा इसका कलर है। और ये शर्ट का कपड़ा है, प्रिंटेड ब्लेंडेड शिफॉन दुपट्टा है और डाइट कैम्ब्रिक ट्राउज़र, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन है, एम्ब्रॉयडर्ड हेम एंड स्लीव्स का जो बॉर्डर है वो दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, खोल लेते हैं इसको। ये है, ये देखें, ये रहे इसके बॉर्डर्स। अच्छा, ये मेरे स्टिकर लगा हुआ है, कि मेरे स्टिकर लगा हुआ है, बच्चे ऐसे ही ना लगा रहे थे मेरे के। तो ये देखिए, इसकी शर्ट है और ये इसके साथ ट्राउज़र है। ये कैम्ब्रिक का मैंने इसलिए ले लिया था, ज़रा सर्दियाँ आ रही हैं इस वजह से। आप लोग सोच रहे होंगे सर्दियों के लिए क्या ये कैम्ब्रिक लिया है, मोटा लेती तो कराची में तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं, ज़्यादा वहाँ ठंड नहीं पड़ती। अच्छा, देख लें आप सूट, ये देखिए ऑल ओवर का प्रिंट है ये, इसके साथ ये बॉर्डर है और ये इसके साथ दुपट्टा है। स्टफ़ बहुत प्यारा है, ये देखें, ये वाला स्टफ़ है, बहुत अच्छा सा शिफॉन है ये। और ये इसका कैमरे का ट्राउज़र है, इसके साथ नेक लाइन है, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसका बॉर्डर अलग कर लेती हूँ। बॉर्डर अलग कर ही मैं इसको ना अटैच करके देती हूँ, ये इसका गला। अब ये जो है ये मैं एप्लिक के लिए दूंगी। कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बता चुकी थी, तो अब हम करते हैं शर्ट की कटिंग स्टार्ट, जो कि ये मैंने एप्लिक करवाया था। ये देखें, इसको मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लूँगी जिस तरह ये एप्लिक हुआ हुआ है ना, ये देखें। इसको बिल्कुल इसकी सीध में ना आपने इसको ऐसे आयरन कर लेना है, इस पूरे कपड़े को। फिर इसकी मैं लेंथ बताती हूँ आपने। अच्छा, देख लें इसका नाप, देख लें शोल्डर मैंने 14 रखा था, ठीक है। और ये पर्ल्स हैं, कपड़े के अंदर पर्ल्स भर के मैंने लगाया था ऑर्गेन्जा में, और ये ऑर्गेन्जा मैंने ऐसे फोल्ड करके लगाया। मैंने सारा आपको तरीका बताया। इसकी चेस्ट का साइज़ 18.5 है और इसका हिप का साइज़ जो है 20.5 है। इसकी साइड सिलाई जो है, ये वाली साइड सिलाई जो होती है, ये 9.5 इंच है। और इसकी जो लेंथ है, फुल लेंथ जो है इस शर्ट की 48 इंचज़ है। अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लें। और ये जो मैंने ऑर्गेन्जा लगाया था और यहाँ इसके पलटावा लगा दिया था मैंने सारा, और गला जो है उसमें भी मैंने ये पर्ल्स भर के ऑर्गेन्जा में ऐसे लगा दी थी, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। इसकी जो ये बॉटम तैयार है वो टोटल 26 इंचज़ है। ये नीचे बॉर्डर का जो इन्होंने पैच दिया हुआ था वो था, और ये ऊपर ऑर्गेन्जा वाला पैच मैंने ऐड किया था। लें, जिसने स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लें, ताकि आपको, अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती अपने टेलर को दिखाने में प्रॉब्लम नहीं हो, स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग। अब ये जी सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए होंगे स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब हम देखते हैं वीडियो बैठ के रमशा जी की बड़े मज़े से। और ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत काम की है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, लेंथ जो है मुझे टोटल लेंथ रखनी है 48 लेंथ तैयार रखनी है, और 48 लेंथ तैयार रखने के लिए ना मैं 49 इंच की कटिंग रखूँगी। 1/2 इंच ऊपर से कटिंग में जाएगा और 1/2 इंच नीचे से बॉर्डर जो मैं लगाऊंगी पलट के। अच्छा, इस तरह कटिंग करने के बाद आपने ना इसकी डायरेक्शन देख लेनी है फ्लावर्स की, ऊपर नीचे जो हो रही होंगी उसको कपड़ा पलट लीजिएगा। वो मैंने कपड़ा पलट लिया था।
अच्छा, कह रहे थे कि शर्ट से नाप लेना बताएं। शर्ट आपने सीधी नहीं रखनी, नाप के लिए हमेशा आपने शर्ट अपनी उल्टी रखनी है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले आपने शोल्डर लेना है। शोल्डर 14 है तो हम 15 की कटिंग करेंगे, 15 इंच की, ताकि हाफ हाफ इंच इधर से सिलाई में जाए और हाफ इंच उधर से, तो 14 तैयार हो जाए। 15 का हाफ 7.5। ये शर्ट हमारी डबल है ना, तो आपने यहाँ 7.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। जो भी आपने इसका नाप लेना होगा ना, जितना भी इसका नाप आएगा, चाहे चेस्ट हो, वेस्ट हो या हिप हो, उसका हाफ करके आपने यहाँ पे निशान लगाना है, राइट। अब देखें, यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं नापना है, यहाँ से नापना है। 8.5 इंच है, ठीक है, तो हम 9 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये चीज़ 9 इंच, क्या चेस्ट 18.5, चेस्ट जो है 18.5 है, वेस्ट कोई नहीं है इसकी, हिप जो है वो 20.5 है। 9 इंच थी, 9 इंच पे ऐसे मैं मार्क करूँगी, ठीक है। 9 इंच, ये 7.5 था ना शोल्डर, तो यहाँ से भी हम 7.5 ही रखेंगे। इसको आपने ऐसे स्ट्रेट करना है, और 18.5 इसकी चेस्ट हमने नापी थी ना, तो इसका हाफ आप लेंगे। नौ इंच और दो पॉइंट उसका हाफ लेना है। फिर आपने इसको यहाँ से 1 इंच का ऐसे कर्व देना है, ये देखें, ये आपने शेप देनी है। और शर्ट की, ये शर्ट है, इसकी साइड चौक जो हैं 9.5 तैयार है, तो हम 10 इंच की रखेंगे। हिप जो है यहाँ से 20.5 थी, 20.5 का हाफ 10 इंच एंड 2 पॉइंट, 10 इंच एंड 2 पॉइंट। अच्छा, इस तरह आपने सारा मार्क करके ना, आपने एक दफ़ा ही मार्क कर लेना है कि ताकि बार बार नापने में मसला ना हो। अच्छा, ये आप देख लें, ऊपर से मैंने 1 इंच रखा है यहाँ कोने से। अब ये शोल्डर का हाफ आपने लेना है यहाँ तक, ऐसे इस तरह इसको निशान लगा देना है। शोल्डर कटिंग लगाना, मतलब लगाना कह रही हूँ, शोल्डर कटिंग देना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब हम इस शर्ट को कटिंग कर लेते हैं। ये मीडियम साइज़ की शर्ट है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ आपको एक चीज़, ये सीज़र बहुत अच्छी है। एक दो लोग पूछ रहे थे कि सीज़र आपने दराज से ऑर्डर की है। नहीं, मैंने दराज से ऑर्डर नहीं की, ये मैंने मार्केट से जाके ही परचेज़ की थी। बहुत अच्छी, रिजनेबल ये मिल जाती हैं, लेकिन घर बैठ के तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने हज़ारों की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विज़िट करने से ही पता लगता है। अच्छा, मैं व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। ये जो एसेसरीज़ मैंने लिए हैं, अच्छा दामन जो है ना, ये मैंने 13 इंच का नीचे से रखा है, और ये नीचे ऐसे आपने ए लाइन शेप देनी है शर्ट की। 1-1 इंच या हाफ इंच बहुत है, पलटावा अगर आपने लगाना होता है ना, तो हाफ इंच बढ़ा के कटिंग किया करें। ये देखें, जितना ये निशान लगाया मैंने हिप का, इससे ऊपर आपने 0.5 इंच छोड़ के कट लगाना है, और ये साथ ही साथ मैं मार्क कर लूँगी। अच्छा, इस शर्ट का जो टोटल दामन है ना, वो 26 इंच का तैयार हुआ है। अच्छा, ये सारी तो हमने ना कटिंग कर ली थी, ये मार्किंग आप एक साथ ही कर लीजिएगा, कट वगैरह लगा दिएगा। और ये पिछली बैक साइड जो है ना, वो मैंने हटा के ये ऊपर फ्रंट वाली, इसकी मज़ीद कटिंग करनी है 0.5-0.5 इंच की, ठीक है। इससे गला ना आगे की तरफ जाता है ना पीछे की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ से जो मैंने गहरी कटिंग की है ना, वो 1 इंच की मैंने कटिंग की है। यार, ये जो स्केल है ना, ये बहुत काम आता है, ये वाला स्केल। ये बेसिकली ये वाला ट्राउज़र के लिए बना है ये वाला स्केल। ये जो दरमियान की, जो हम आसन से लेके नीचे पांचे तक निशान लगाते हैं ना, ये उसके लिए बेस्ट है। ये मेरी शर्ट हो गई थी कटिंग,
चलें जी, अब दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। गला जो है मैं बोट शेप में बनाऊंगी, कहीं इसकी चौड़ाई मैं रखूंगी 10 इंच। इसको जी हम कट कर लेते हैं। पांच चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 3 इंच और चौड़ाई 5 इंच। इसकी मैं बोट शेप दूंगी। अच्छा, यहां से जो है पौना दो है, पौना 2 इंच यहां से मैंने रखा है और बाकी मैं इसकी ऐसे एक एक इंच बढ़ा के ऐसे मैं कटिंग कर लूंगी, पौना नहीं पौने 2 इंच। अच्छा जी, गला आपने इस तरह 1 इंच का रख के काट लेना है। इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट करके आपने जिस तरह हम फोल्ड करते हैं उस तरह फोल्ड कर लेना है। अब ना हम ये पल्स लेंगे, ठीक है, इनको ना हम, ये ऑर्गेन्जा है, इसको हम सिर्फ ऐसे कर लेते हैं। इस तरह घुमा के आपने फिर ऐसे क्रॉस में, ये क्रॉस में ऐसे किया, ये इसका लॉक लग जाता है, ठीक है। इस तरह के ना आपने ये सारे बना लेने। ये देखें, ये सारे मैं बना लूँगी इस तरह। अच्छा, ये सारे ना मैं इस तरह के पर्ल्स बना लूँगी ऑर्गेन्जा में भर के। और ये जो ऑर्गेन्जा है ना, मेरा एक दुपट्टा है काफ़ी चौड़ा, इसका बर होता है, तो उसमें से साइड से ना मैंने 4 इंच का कहीं लंबा सा उतार लिया। मैंने कहा चलो पीको करवा लूँगी, दुपट्टे को पता ही नहीं लगेगा, तो वो दुपट्टा मैंने यूज़ किया है इसमें। चाहिए हमने ना अब यहाँ पे लगानी है गुम करके, हमने बिल्कुल भी ऊपर रख के नहीं लगानी कि ये पीछे से ना नज़र आए तो बहुत बुरा लगता है। ये हमने बिल्कुल गुम करना है इसको, यहाँ पे लगानी है, यहाँ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले ना हमें निशान कैसे पता लगेगा कि ये कहाँ है, इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है यहाँ पे, ताकि हमें पता लगे कि ये प्रेस बुकरम कहाँ तक आ रही है। सबसे पहले तो आपने इसका बूट चेंज करना है, ठीक है। ये बूट उतार के, ये 2-in-1 बूट है, दोनों डबल साइडेड है, तो इसको ऐसे ही हम लगा लेंगे। देखिए, इसको आपने थोड़ा सा लूज़ करना है, ये जो इसके दो हिस्से हैं ये आपने ऐसे ही इसको एडजस्ट कर देना है, बस इसको टाइट कर देना है। और फिर आपकी, आपने ना इसकी एडजस्टमेंट खुद करनी है। देखें, अंदर बाहर ऐसे हो रहा है, जो लेफ़्ट पे चाहिए लेफ़्ट पे कर लें, राइट पे चाहिए राइट पे कर लें। तो हमें राइट साइड वाले बूट की ज़रूरत है, तो मैंने उसकी सेटिंग इस तरह कर ली थी। तो आपने इस तरह लूप अंदर करके आराम आराम से इसको सिलाई करना है, और क्लिपर की मदद से ना ये जो कपड़ा नीचे और पीछे की तरफ जा रहा होगा उसको आपने इकट्ठा करके सिलाई लगानी है, ठीक है, बिखरे ना जो अंदर वाला मार्जिन रखा हुआ है। इसी तरह ही ना आपने सारे लूप्स लगा लेने, और इस तरह ये मैंने 3 लगा लिए थे, तो दूसरी साइड पे भी मैं जो बूट है वो थोड़ा सा मैं लेफ़्ट की तरफ कर दूँगी। तो इस तरह मैंने ये यूज़ किया था। तो ये मेरे सारे पर्ल्स लग चुके थे। चलें जी, चेक करें आप लोग। ये देखें, अब ये जो है, ठीक है, ये इसके धागे वगैरह ना मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी जो जो भी निकल रहे होंगे, उसके बाद आपने इसको ऐसे। अच्छा, ये जब आप गले पे ऐसे पर्ल्स लगा लेंगे उसके बाद आपने ये है शर्ट पे इस तरह ये रख के गला इसको पिनअप कर लेना है अच्छी तरह, और आपने अभी बूट चेंज नहीं करना। बूट को राइट साइड पे ही रहने दीजिएगा, और आपने लेफ़्ट से, लेफ़्ट पे सुई आ गई ना, तो आपने इस तरह ही ना कपड़े को प्रेस कर करके और क्लिपर की मदद से इसको नीचे की तरफ दबा दबा के ऐसे स्टिच लगाना है। तो ये मेरा गला तैयार हो गया था। यार बस गला तैयार हो जाना, समझो पूरी कमीज सिल गई। ये देखिए, ये इस तरह आपने ना इसको सेट करके
पूरा इसकी पिन्स उतार लेनी है। पिन्स उतारने के बाद इसको अंदर से कटिंग करना है राउंड शेप में, और फिर आपने कट्स लगाने हैं। हमेशा राउंड शेप में जो भी चीज़ होगी उसमें कट लगा के ही फोल्डिंग करनी है, तो बड़ा अच्छा फोल्ड होगा। चेक करें आप लोग, ये देखें मेरे पास ये जो पर्ल्स थे ये इतने ही थे, वरना ये है कि एक एक और आ जाता तो अच्छा रहता। यहाँ पे एक आ जाता और एक यहाँ पे आ जाता। जो मैंने मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो मैं बता चुकी हूँ। ये देखें जिस तरह मैंने गला बनाना था, अच्छा जो ऊपर ये था इसमें खाली जगह, वो मैंने इसी तरह ही इसी शेप में इसी कपड़े से उसको पुर कर ली। और पीछे ये वी शेप में मैंने ये बनाया है, एंड पे मैंने बनाया है, तो ये पहले ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहे। शोल्डर्स लगा के इसकी मुझे फिटिंग की सिलाई करूँगी मैं, यहाँ तक, और फिर बाद में मैं बताती हूँ क्या करना है। यार आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपने वीडियो देखते के साथ ही अपना कोई भी सूट पड़ा होगा आपने वो निकाल लेना है। ये गले का जो डिज़ाइन मैंने बताया ये ज़रूर आपने बनाना है। और अब जो दामन मैं बनाने लगी हूँ ना, आपने मेरा नहीं ख्याल कि कहीं देखा होगा। अच्छा, ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा का पीस है। अभी मैं सोच रही थी कि सिर्फ फ्रंट फ्रंट के चाक्स पर लगाऊँगी, चौक साइडों के होते हैं, तो अगर कपड़ा बचा ऑर्गेन्जा का तो मैं बैक साइड पर भी लगा लूँगी। अच्छा जी, देखिए साइड जो चाक थे उनको मैंने ऐसे इस्त्री कर लिया था, और 3-3 इंच के गैप से मैंने इस तरह निशान लगा लिया था, क्रीज़ बना ली थी इस्त्री से ही ना। तो ये देखें 3-3 इंच के गैप से ये चाक बना हुआ है। सॉरी, मैंने पीछे दामन बोल दिया था कि दामन बहुत खूबसूरत बनाऊंगी। ये साइड्स मैंने बहुत प्यारी बनाई है इसकी, गलती हो जाती है मुझसे कभी कभी, उन चीज़ों को इग्नोर किया करें। कुछ लोग ऐसे ही छोटी बारीक मेरी गलती पकड़ लेते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता कि। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा लगाने का तरीका आप लोग देख लें, बारीक सी गोलाई पत्ती बनानी है आपने इस तरह, ये करके मैं यहाँ लगाऊंगी। सीधी साइड पे आपने करके लगानी है इस तरह, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आपने कपड़ा लगा देना पलटा हुआ, यही वाला। चले आए, अब मिलके लगाती हूँ मैं। अच्छा, साइड के चाक स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं। ये लोगों की कमीज़ें जो फटती है फीड करवाते हुए, उठते हुए बैठते हुए कमीज़ पैरों में आ जाती है या कुछ होता है, तो ये कमीज़ें आपकी बहुत ज़ाया जाती है इस तरह की साइड से फट फुट के। तो इसको कवर करने के लिए एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊँगी, ये देखें। यहाँ पर हमने ये चीज़ कपड़ा लगाना है, ये ऐड करना है, ये देखें, इसके बिल्कुल कॉर्नर तक आपने इस तरह रखना है। ये देखें, ये है, ये देखें, इसी तरह ही आपने इसको अंदर एडजस्ट करके और ऊपर ऐसे सिंपल सिलाई कर देनी है। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सवाल कर लें, जवाब दे दूंगी मैं आपको, और समझ नहीं आ रहा वीडियो रिवर्स करके आप दोबारा देख लें। अच्छा, इस तरह ना फिर आपने इसको सिलाई करके फिर 3-3 इंच के गैप से ऑर्गेन्जा आपने इस तरह बनानी है। इस तरह आपने इसकी पत्तियाँ बना के सब जगह आपने इसके लगा लेनी है। इसी तरह ही आपने 3-3 इंच के गैप से जो जो निशान लगा हुआ होगा उस पे आपने इस तरह गुलाई में ऑर्गेन्जा की पत्तियां बना के ऐसे लगा लेनी है। ये पत्तियां 1/2 इंच की लंबाई की थी। और इसके बाद ये देखें, अच्छा आपने सारे चाक इस तरह बना लेने हैं। और चाक स्टार्ट जब किया था वो फैब्रिक लगाया था डबल ट्रिपल करके, वो आपकी शर्ट नहीं फटेगी। अब इसकी एंडिंग भी दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ से आपने कवर किस तरह करना है। इसको पलटावा लगाते लगाते दूसरी साइड आ चुकी थी, दूसरा कॉर्नर। अब ये देखें, आपने इसको, ये जो पलटावा मैं लगा रही हूँ इसके अंदर लेकर इस कपड़े को पीछे की साइड फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगानी है। जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही इसकी हमने एंडिंग करनी है। अच्छा जी, ये देख लें आप लोग, ये इसकी एंडिंग भी हो गई थी, पूरा ये पलटावे शलटावे सब लग गए थे। अब मुझे आ रही है नींद, इतना बुरा हाल हो रहा है। ये मैं रात के 4 बज रहे हैं सुबह के, जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और अभी मुझे 9-9:30 बजे के करीब ये वीडियो अपलोड करनी है। अच्छा ये देखें, इसको देखें, थोड़ा सा भी आप खींचेंगे ना, थोड़ा सा ज़ोर से भी आप खींचेंगे कपड़ा नहीं फटेगा।
क्योंकि अंदर जो हमने कपड़ा लगाया है ना, बड़ा ही कमाल एक चीज़ लगा दी है। चलें जी, अब ये है कि जल्दी से अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी चीज़ें, मेरे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर ये पलटावा अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसकी दूसरी सिलाई लगा लूँगी इसकी फिनिशिंग की। अच्छा, इसके बाद ये है कि ना, एक तो मैंने बॉर्डर नहीं लगाया था नीचे, वो मैंने बाद में लगाया था, और उसके बाद जो ऑर्गेन्जा का बॉर्डर था वो तो मैं लगाना ही भूल गई थी, वो मुझे एंड पे याद आया। फिर वो मैंने ऑर्गेन्जा का बॉर्डर लगाया बड़ा फिनिशिंग के साथ, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा बॉर्डर जो मैंने गैप बीच में है वो 1/2 इंच का गैप है, और यही मेरा लास्ट स्टेप था, और बस शर्ट हो गई थी मेरी कम्प्लीट। लें जी, ये मेरा ड्रेस हो गया था रेडी। ये देखें, मैं आपको इसकी डिटेल अब दिखाती हूँ। जो मेन चीज़ें थी इसमें मैंने वो आपको बताई हैं कि वो आपने किस तरह स्टिच करनी है। ये बहुत ही न्यू डिज़ाइन है जो चाक पे मैंने आप लोगों को बताया है, ये ऑर्गेन्जा है। ये बहुत पायदार है, मतलब ख़राब ही नहीं होगी। कोई भी आप बेल लगा लें गोटे छोटे की, वो एट दी एंड ख़राब हो ही जाती है कुछ टाइम में। अच्छा, इसका जो दामन है ये देखें, दामन पर ना मैं ये लगाना भूल गई थी, मैंने बाद में लगाया है ये पैच, ठीक है। और ये पलटावा तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह लगाया है। ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, मोटा लगा हुआ है, और देखिए इस तरह। इसके नेक लाइन की तरफ आ जाते हैं। इसकी लेंथ बहुत ही आउट क्लास है, ये एथनिक का साइज़ है, मतलब पूरा साइज चार्ट जो है वो एथनिक का है। फिटिंग वगैरह, लेंथ वगैरह आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। मीडियम साइज़ के लोग लाजमी स्टिच करें। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं नेक, देखें आप, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये किस तरह पिछली साइड से मैंने इसको कवर किया है। ये देखें, यहाँ से ऊपर से मतलब नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी टेलर वगैरह जो हैं ये ऊपर से ही लगाते हैं कि इसकी जो दुमे है ना यहाँ ऐसी हो रही होती हैं, और डबल स्टिच लगा देते ताकि वो बैठी रहे। आप लोगों ने लूप्स लगाने हैं, आप लोगों ने कुछ भी लगाने हैं, गले में आस्तीनों में आपने इस तरह से लगाने हैं। इसकी बैक साइड से नज़र नहीं आने चाहिए, घूम तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों ने हमेशा इसी तरह ही अप्लाई करना है। ये देखें, इसकी बैक साइड चेक करें, इनर इसका देखें, कोई भी गंद वंद नहीं है यहाँ पे। ये देखें, स्लीव्स बड़ी हैं। खैर, जो भी हैं, जो फैब्रिक इसका बचा हुआ है वो फुल स्लीव्स के लिए मैंने रखा हुआ है, कि थोड़े 2-3 दफ़ा ऐसे पहन के ना तो फुल स्लीव्स लगा लूँगी। इसके साथ जो फ्लैपर मैंने तैयार किया है, फ्लैपर पे व्यूज़ नहीं आ रहे, काफ़ी लोग नहीं देख रहे, मेरे व्यूवर्स नहीं देख रहे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो शर्ट है ना इसके साथ यही सूट करेगा। और मैं, आप लोग कह रहे थे आपने पहले भी इसकी वीडियो दिखाई है, बिल्कुल मैंने पहले इसकी वीडियो दिखाई है, लेकिन उसमें ये पिनटेक्स नहीं था, ये बड़ा डिफरेंट है। ये फ्रंट पर भी है और ये बैक पर भी है पिनटेक्स जो डला हुआ है, और इसका जो घेरा है ना वो 17 इंच का घेरा है। मैंने अपनी पूरी यूट्यूब में, मतलब मैंने अपने पूरे YouTube चैनल पे ना 17 इंच का घेरा कोई भी नहीं रखा, और इस शर्ट के साथ यही अच्छा लगेगा। लंबे चाक हैं, ऊपर से फिटिंग में है, और बड़ा प्यारा इसका फ्लेयर है। आप लोग जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी इसकी कटिंग और स्टिचिंग, आप लोग जाके मस्ट ट्राई करिएगा। चले आ जाते हैं अब दुपट्टे की तरफ। यह है इसका दुपट्टा। दुपट्टे में मैंने इतनी जुगाड़ लगाई कि ना कहीं से मेरा ये काम कोई करके दे दे, लेकिन ना बस मुझे ही करना पड़ा। ये देखें, अच्छा मुझे ना कपड़ा लेना था, सेम फैब्रिक लेना था, और बेल लेनी थी मुझे, GPO बेल 1/2 इंच की या 1 इंच की मिल जाती वो लगाती मैं पलटावे के साथ। सेम पलटावा मुझे इस तरह का लेना था। वो पता नहीं मार्केट में कभी कभी आपका ना दिमाग ऐसा गुम हो जाता है, जो लेने जाते हैं वो लेते नहीं हैं, और जो नहीं लेना होता ना वो उठा के ले आते हैं, घर आगे होता है कि यार ये नहीं लेना था। अब मुझे ना ये नहीं लेना था, इस कलर का मुझे इस कलर का कपड़ा चाहिए था, उठा के मैं ये ले आई, घर आके मेरा इतना दिल दुखा, फिर मुझे बेल नहीं मिल रही यहाँ पे, जिस मार्केट में मैं गई थी वहाँ बेल थी, बस सब कुछ मुझ हो गया। तो खैर, मुझे यही लगाना पड़ा पलटावा। तो ये दुपट्टा मैंने तैयार किया, इतना प्यारा, ही देखें चेक करें, ये मेरा ड्रेस हो गया था रेडी। चलें जी, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहनावा कैसा लग रहा था।